नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बैंकिंग सक्सेस में। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मैक्सिमम फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। कोई भी डाउट्स हो आपके कमेंट करके पूछ सकते हो आप। तो फ्रेंड्स, ये जो कल से अपने देख रहे हैं कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक RRB पीयू क्लरिकल की वैकेंसी 2019 है, इसके अंदर एग्जाम पोस्टपोन की भी बात चल रही है, 13 भाषाओं में होगा पेपर। ये सारा का सारा क्या है और इस पर बहुत सारे स्टूडेंट्स पजल्स हो रखे हैं अपनी प्रिपरेशन के अंदर, जो तैयारी वो रेगुलर कंटिन्यूटी करते हैं उसको छोड़ के इसके पीछे पड़े हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें अपने इसके अंदर डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि ये चीज़ें क्या है और इससे क्या इफेक्ट पड़ सकता है एग्जामिनेशन के अंदर, क्या एग्जाम सच में पोस्टपोन होने जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ। देखिए फ्रेंड्स, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की अगर बात की जाए तो इसके अंदर जो एक प्रपोजल आया था अभी नोटिफिकेशन आने के बाद, और एक जो एमपी है शायद वो कर्नाटक से है, उन्होंने ये लोकसभा के अंदर मुद्दा उठाया था कि जो लोकल लैंग्वेजेज है RRBs के अंदर, तो वो जो भी स्टेट्स के स्टूडेंट्स हैं, जैसे पंजाब के स्टूडेंट्स मान लीजिए या कर्नाटक के मान लीजिए या जम्मू कश्मीर के मान लीजिए, तो उनको क्या है कि अपनी लोकल लैंग्वेज के अंदर ज़्यादा चीज़ें समझ में आती है। और ये जो RRBs है ये एक लोकल यानी ग्रामीण परिवेश का बैंक है। अब मान लीजिए कर्नाटक के अंदर कोई बैंक है तो वो एक ग्रामीण बैंक होगा, तो वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको सिर्फ कर्नाटक भाषा ही समझ में आती है या थोड़ी बहुत हिंदी उनको समझ में आ सकती है, उसके अलावा इंग्लिश उनको समझ में नहीं आती होगी ग्रामीण लोगों को, क्योंकि खेती से परिवेश होता है उनका। तो इसके लिए उन्होंने ये मुद्दा उठाया था कि जो भी लोग जिस स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज उनको आए तो इनके अंदर और ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो सकते हैं, और स्टूडेंट्स जो जिनको लोकल लैंग्वेज के अंदर अच्छा नॉलेज है वो इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा भाग ले सकते हैं। तो इसलिए ये बहुत जल्द उस एमपी के कहने पे लोकसभा के अंदर कल ही इसको पारित किया गया है। कल इसका जो लेक्चर था वो लोकसभा के अंदर पारित कर दिया उसको। पर एक जो अच्छी बात ये है कि जो RRB पीयू के अब फॉर्म फिल हो चुके हैं, लास्ट डेट 4 तारीख थी, तो अब इसके अंदर ये बात आती है कि क्या सर ये इस साल से लागू होगा या अगले साल से लागू होगा। तो इस साल की अगर बात की जाए प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की, तो बहुत कम चांसेस है, रेयर चांसेस है कि इस साल से लागू हो। पर एक बात अगर दूसरी साइड देखी जाए, एक साइड तो ये कि बहुत कम चांसेस है इसके, रेयर चांसेस है लागू होने के, दूसरी साइड ये है कि इसको एमपी के द्वारा कहा गया था 5-7 दिन पहले और उसको इतना जल्दी अप्लाई करके और उसको लागू भी कर दिया, तो हो सकता है कि इतना जल्दी अगर कुछ ना कुछ किया उन्होंने तो इस नोटिफिकेशन के अंदर उसको शामिल करेंगे। अगर इस नोटिफिकेशन के अंदर वो शामिल करेंगे इस चीज़ को, ये नोटिफिकेशन दोबारा अपडेट करना पड़ेगा, और अगर दोबारा अपडेट होगा तो स्टूडेंट्स को फॉर्म दोबारा से उनको एडिट करवाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं लैंग्वेज कुछ भी डाल रखे हैं, कहीं से भी डाल रखा है, तो वो सारी चीज़ें एकदम से करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। यानी ये चीज़ें हो सकता है नेक्स्ट ईयर से लागू हो RRBs पे, हो सकता है RRB PO मेंस का जो एग्जामिनेशन होगा वहाँ पे लागू हो, प्री के अंदर ना लागू हो। तो ये सारे फैक्ट है इसके अंदर। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, देखिए इसका कोई भी नुकसान नहीं है ना कोई फ़ायदा होगा। जो स्टूडेंट्स हिंदी रूरल है यानी हिंदी जिनका लैंग्वेज है और जिस स्टेट के अंदर हिंदी उन्होंने अप्लाई किया है, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं होने वाली। एग्जामिनेशन जो है वो आपका हिंदी, इंग्लिश और 13 यानी अब 15 भाषाओं के अंदर आपका जो है वो पेपर होगा। अब इसके अंदर जो भाषाएं जोड़ी गई है वो उनका आप देख लेना कौन कौन सी भाषाएं, गुजराती है, पंजाबी है, तो ये सारी भाषाएं उनके अंदर ऐड कर दी गई है। अब जैसे अपने RRB PO का प्रीलिम्स का पेपर देने जाते थे, अब इसके अंदर दो फैक्ट है, ये अभी तक कुछ भी क्लैरिफिकेशन नहीं किया गया है, सिर्फ इतना बोला गया कि 13 भाषाएं ऐड की गई है, पर ये नहीं बताया गया कि प्री के अंदर ऐड होगी कि मेंस के अंदर। ये भी नहीं बताया गया कि जो पेपर का जो अपने पेपर अटैम्प्ट करते हैं मैथ रीजनिंग उनकी लैंग्वेज चेंज होगी, या जो मेंस के अंदर हिंदी और इंग्लिश का ऑप्शन आता है, अपने पास दो ही लैंग्वेज होती है, या तो अपने हिंदी अटैम्प्ट करते हैं RRB PO मेंस में या इंग्लिश अटैम्प्ट करते हैं, क्या वहाँ पे ये 13 लैंग्वेज भी ऐड होगी। तो ये दोनों सवाल अभी भी बने हुए हैं इस पे भी से कि कोई भी किसी भी तरह का जो है वो जवाब नहीं मिल पाया, जैसे ही जवाब मिलेगा अपने वीडियो पर डिस्कस करेंगे। तो अगर देखिए दो इसके पहलू है, अगर ये लागू होता है ऑल ओवर पेपर के ऊपर, यानी प्री का पेपर आता है जिसके अंदर मैथ रीजनिंग दो ही चीज़ें आती है, तो अपने उसके अंदर हिंदी के अंदर अटैम्प्ट कर सकते हैं पूरे पेपर को, या इंग्लिश के अंदर अटैम्प्ट कर सकते हैं, या ये जो भाषाएं और जुड़ी गई है गुजराती बंगाली इनके अंदर अटैम्प्ट कर सकते हैं, यानी कुछ लैंग्वेजेस जुड़ी गई है तो उनके अंदर अपने अटैम्प्ट कर सकते हैं। एक तो ये इसका पहलू बनता है। दूसरा पहलू ये बनता है कि मेंस के एग्जामिनेशन के अंदर जो लैंग्वेज होती है वो भी क्या यही लैंग्वेज होगी जो जिनकी लोकल लैंग्वेज जो चूज करना चाहेंगे। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे अभी तक संशय बना हुआ है। पर एक बात ये बता दूं कि हिंदी इसके साथ आपके साथ मैंडेटरी है, हिंदी आपके साथ रहेगी, इंग्लिश आपके साथ रहेगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेज रहेगी, आप दोनों में से जो भी अटैम्प्ट करना चाहो वो कर सकते हो, इसके अलावा ये जो लैंग्वेजेज है वो आप अटैम्प्ट कर सकते हो। ये नहीं है कि हिंदी को उठा के ये लैंग्वेज उस स्टेट में लगा दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है, हिंदी तो रहेगा ही रहेगा, उसके अलावा ये लैंग्वेजेज एड होगी। अब आती है कि एग्जाम पोस्टपोन होगा। देखिए अगर जिस तरह से रवैया रहा सरकार का, इनको 7 या 8 दिनों में इसको लागू कर दिया गया, अगर इस साल जिसको करता है IBPS, देखिए प्री के एग्जामिनेशन की बात करूँ, अगर देखिए 3 तारीख को एग्जामिनेशन है, अगर 3 तारीख से इसको अप्लाई करेगा वो 3 बारे,
3 तारीख को जो एग्जामिनेशन था उसके अंदर इसको अप्लाई करना चाहेगा, तो उसको देखिए अब जो 13 लैंग्वेजेस ऐड हुई है तो 13 ट्रांसलेटर उनको चाहिए होंगे, पेपर को उस लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करना, उसको कंप्यूटर के अंदर डालना, और जहाँ जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे सर्वर को, यानी ये एक बहुत लेंथी सी प्रोसेस हो जाती है, इसके अंदर टाइम चाहिए। टाइम चाहिए यानी कि पहले तो उनको जो ट्रांसलेटर्स है वो उनको हायर करना पड़ेगा, यानी हिंदी को अगर मलयालम के अंदर ऐड किया तो मलयालम में ट्रांसलेटर करने के लिए कुछ कोई ना कोई तो व्यक्ति चाहिए उनको, तो वो सारी चीज़ें उनको हायर करनी पड़ेगी। तो इतना टाइम इनके पास है नहीं, अभी 15 या 17 दिन आपके RRB PO प्रीलिम्स के बचे हैं, तो इसके चांसेस प्री के अंदर कम है। हो सकता है मेंस के एग्जाम में इसके अंदर अप्लाई किया जाए, हो सकता है नेक्स्ट ईयर अप्लाई किया जाए, पर इससे डरने की जरूरत नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। अगर ये प्री के अंदर अप्लाई होगा तो हो सकता है, मैं आपको बता दूंगी 30% चांसेस है एग्जाम पोस्टपेंड होने के, 70% चांसेस नहीं है एग्जाम पोस्टपेंड होगा, क्योंकि IBPS का अगर एग्जाम पोस्टपेंड होता नोटिफिकेशन ही रिलीज नहीं करता वो, और जो केस था आपने देखा उसको जैसे ही 1 जुलाई आई उन्होंने सॉल्व करवा दिया, तो ये IBPS की ताकत है कि वो कुछ भी मामले होते हैं उनको बहुत जल्द निपटाता है। तो हो सकता है इसको भी जल्द निपटा दिया जाए और प्री के अंदर लागू कर दिया जाए, अगर इतना जल्दी ये काम नहीं हो सका और प्री के अंदर सरकार का मैंडेटरी एक्शन है भी इसको लागू करना है, फिर एग्जाम पोस्टपोन हो सकता है। यानी 30% चांस है एग्जाम पोस्टपोन के, ज़्यादा चांसेस नहीं है, 70% चांसेस है एग्जाम होगा और जो लैंग्वेजेज है उनके अंदर भी होगा, और ये लैंग्वेज अगर ऐड होती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जिनको जो लैंग्वेज आती है उस लैंग्वेज में आप ट्रांसलेट, जैसे आप कोई सिंगल क्वेश्चन आप पूरा पेपर आप हिंदी में अटेम्प्ट करे हो, कोई सिंगल क्वेश्चन आप इंग्लिश में देखना चाहते हो, इसी तरह से आप कोई सिंगल क्वेश्चन या पूरा पेपर उस लैंग्वेज में अटेम्प्ट कर सकते हो, और कोई सिंगल क्वेश्चन उस लैंग्वेज में देखना चाहते हो तो उस लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। तो ये सारी की सारी इसकी प्रोसेस है। अगर इसके ऊपर कोई भी फर्दर आगे जो भी नोटिफिकेशन के अंदर, अभी तक IBPS ने ऑफिशियली ऐसा कुछ भी नहीं बोला, ना उनकी साइट पर कुछ आया है ना नोटिफिकेशन के अंदर अपडेट किया गया, जैसे ही कुछ अपडेटेशन होगा तो अपने उस पर बात करेंगे। अगर कोई भी डाउट था कमेंट करके पूछिए। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे।